नमस्कार, जिला दर्शन के इस नए सीरीज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। पिछले क्लास में हमने सुकमा जिला के बारे में पढ़ा था, आज हम बस्तर संभाग के एक नए जिला बस्तर जिला के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ सामान्य जानकारी के साथ बस्तर जिला के बारे में। पहली चीज़ तो देखिए, ये छत्तीसगढ़ का जो दक्षिण दक्षिण दिशा है वो पूरा पहले बस्तर संभाग के नाम से जाना जाता था, फिर एक समय के बाद धीरे धीरे करके वो लगभग 7 जिलों में बढ़ता गया। आज आप देखिए मैप में तो ये जो जिला आप देख रहे हैं ये बस्तर जिला है। तो इसके गठन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो जितने भी देसी रियासतें थी भारत की, उन सभी देसी रियासतों का फ्यूज़न किया गया भारत में। उस समय वो जो टाइम था वो था 1 जनवरी 1948 को, जिस समय बस्तर का पूरे भारत संघ में विलय किया गया वो समय था 1 जनवरी 1948 को, और इसी समय बस्तर को एक जिला का दर्जा दिया गया। ध्यान में रखिए बस्तर जिला का गठन कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1948 को। साथ ही साथ बस्तर अपने में एक रियासत था जो पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा रियासत था। उस समय 1 जनवरी 1948 में बस्तर के साथ छत्तीसगढ़ के दो और रियासत, पहला सरगुजा और दूसरा रायगढ़, तो ये तीनों रियासतों का 1 जनवरी 1948 को बस्तर सॉरी भारत संघ में विलय किया गया। दूसरा हम देखते हैं जगदलपुर, तो बस्तर का मुख्यालय, बस्तर जिला का जो मुख्यालय है वो है जगदलपुर। 25 मई 1998 को दो नया जिला बनाया गया, कांकेर और दंतेवाड़ा। हुआ ये कि जब ये जो जिला बनाया गया था बस्तर, उस समय एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए केवल एक ही मुख्यालय था जगदलपुर। अब जगदलपुर एक ही मुख्यालय होने के कारण इतने बड़े जो जिला था उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा हो गया था अकेले जगदलपुर मुख्यालय को। तो शासन ने अपनी सुविधा के लिए फिर से दो नया जिला बनाया। 25 मई 1998 को पहला बनाया कांकेर, दूसरा बना दंतेवाड़ा। देखिए जियोग्राफिकली कंडीशंस यदि हम देखें तो कांकेर जो है बस्तर के उत्तर दिशा में पड़ता है और दंतेवाड़ा बस्तर के दक्षिण दिशा में, इसलिए कांकेर को उत्तर बस्तर कांकेर कहा जाता है और दूसरा दंतेवाड़ा को दक्षिण बस्तर कांकेर। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि दक्षिण बस्तर कांकेर या दक्षिण बस्तर जिला, दक्षिण बस्तर किस जिलों को कहा जाता है बस्तर संभाग में, या उत्तर बस्तर बस्तर उत्तर बस्तर बस्तर संभाग के किस जिले को कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा उत्तर बस्तर मतलब कांकेर, दक्षिण बस्तर मतलब दंतेवाड़ा। दूसरा देखते हैं जनजातियों की भूमि, एक्चुअल में क्या है पूरे बस्तर संभाग में आदिवासी बहुल संभाग है, और हर एक जिले में हमको ज़्यादा से ज़्यादा जनजातियाँ देखने को मिलेगी। जैसे हमने सुकमा जिले में पढ़ा तो वहाँ पे टोटल पॉपुलेशन का 85% जो है शेड्यूल ट्राइब्स था। बस्तर जिला को जनजातियों का भूमि क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे किस कोई स्पेशल एक जनजाति नहीं है, यहाँ ट्राइब्स की डाइवर्सिटी है हम कह सकते हैं। यहाँ पे भतरा, गदबा, कोया, दुर्ला, तमाम प्रकार की जनजातियाँ यहाँ पाई जाती हैं, इसलिए बस्तर जिले को जनजातियों की भूमि कहा जाता है। तो ध्यान में रखना है जनजातियों की भूमि बस्तर संभाग के किस जिले को कहा जाता है, तो जिला बस्तर आपको नहीं भूलना है। दूसरा, साल वृक्षों की अधिकता के कारण इन्हें साल वनों का द्वीप कहा जाता है। बस्तर में जैसे ही आप इंटर करोगे वहाँ का जो जियोग्राफिकली कंडीशन के हिसाब से फॉरेस्ट एरिया यदि हम देखें तो सबसे ज़्यादा वहाँ पर साल का पेड़ देखने को मिलता है, इसीलिए साल के पेड़ की अधिकता के कारण साल वृक्षों का द्वीप कहा जाता है बस्तर जिले को, ये ध्यान में रखना है हमें। इतिहास हम देखें, इतिहास में हम बस्तर का रामायणकालीन इतिहास देखेंगे तो रामायणकालीन में बस्तर को कहा जाता था दंडकारण्य, और महाभारतकालीन में इसे कांतर या महाकांतर कहा जाता था। रियासतकालीन जब हुआ तो ये जो बस्तर के ये इस जो क्षेत्र है ये वाला पश्चिम क्षेत्र, उसे चक्रकोट या भ्रमरकोट के नाम से जाना जाता है। जब हम बस्तर इतिहास पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि चिंदक नागवंशी शासक जो हरिश्चंद्र हुए उसे काकतीवंशी राजा अन्नम देव ने हराया था और बस्तर में काकतीवंश का नींव रखा था। तो जिस क्षेत्र में चिंदक नागवंशी शासक शासन करते थे उस क्षेत्र को
चक्रकोट या भ्रमरकोट के नाम से जाना जाता है, जिसको हम वर्तमान में आज बस्तर बोलते हैं। दूसरा, काकती वंश के आने से वहाँ उस वंश के जितने भी राजे हुए, वे राजा बस्तर रियासत को ध्यान दिए कि जितना ज़्यादा हो सके बड़ा किया जाए। उनमें से तो छत्तीसगढ़ में उस समय कुल 14 रियासतें हुआ करती थी, उसमें से सबसे बड़ा रियासत अगर कोई था तो वो बस्तर रियासत था। और इस बस्तर रियासत को अब रियासतकालीन के समय में जो प्रशासन को जैसे ऑपरेट करना है, तो उस समय एक जमींदारी प्रथा चलती थी। तो उस जमींदारी प्रथा में सबसे बड़ा जमींदार वो था कुटरू। कुटरू जो है बस्तर रियासत का सबसे बड़ा जमींदार था और सबसे छोटा था फौत के। वर्तमान में ये कुटरू बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा। राजा अन्नमदेव, तो जब राजा अन्नमदेव का शासन हुआ करता था वारंगल में, तो वारंगल में जब तुगलक वंशी राजाओं का जब अटैक हुआ, तो वे वारंगल से पलायन करके हमारे इस बस्तर जिले में प्रवेश किए थे। और जो मैं बताया थोड़ा देर पहले कि छिंदक नागवंशी जो राजे हुए उनको हरा करके वो काकती वंश का नींव रखा। तो राजा अन्नमदेव बस्तर में काकती वंश का नींव रखने वाला शासक था, इतना ध्यान में रखना है। दूसरा, राजा रुद्र प्रताप देव। राजा रुद्र प्रताप देव के समय एक अंग्रेज हुआ जिसका नाम है फैगन। ये अंग्रेज था लंदन का और ये चाहता था कि जगदलपुर जो सिटी है उसको लंदन के एक मोहल्ले के अकॉर्डिंग उसको बनाया जाए। उस समय जगदलपुर को जब बनाया गया टाउन प्लानिंग के अकॉर्डिंग, तो उसे चौराहों का शहर कहा गया। और जब इसे चौराहों का शहर बनाया जा रहा था, उस समय जो राजा था वो था राजा रुद्र प्रताप देव। तो क्वेश्चन बनता है कि चौराहों का शहर जगदलपुर को किसके शासनकाल में बनाया गया, तो ध्यान में रखना है राजा रुद्र प्रताप देव। और उसके बाद देखते हैं हम प्रफुल्ल कुमारी देवी, ये राजा रुद्र प्रताप देव की बेटी थी। ये छत्तीसगढ़ की छत्तीसगढ़ की एकमात्र महिला शासिका थी और पहला महिला शासिका भी थी। तो वे प्रफुल्ल कुमारी देवी किस वंश से संबंधित थी, तो काकती वंश से संबंधित थी, ये ध्यान में रखना है। दूसरा आता है महाराजा प्रवीर चंद्र बसदेव, जिन्हें द गॉड ऑफ आदिवासी भी कहते हैं। यही वो राजा है जब बस्तर जिला बना 1 जनवरी 1948 को, तो बस्तर के विलय पत्र पर महाराजा प्रवीर चंद्र बसदेव ने साइन किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉलिटिकल जियोग्राफी। हमने अभी इतिहास देखा कि बस्तर बस्तर जिले के पीछे थोड़ा बहुत इतिहास देखें। अब जिला बनने के बाद वहाँ पे कितने तहसील, कितने विकास खंड, कितने विधानसभा क्षेत्र, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस राजनीतिक भूगोल में पढ़ेंगे। पहले तो भारत संघ में विलय 1948 अभी बताया। विलय पत्र पर साइन करने वाले राजा का नाम था प्रवीण चंद्र बसदेव। जिला मुख्यालय जगदलपुर। सीमावर्ती राज्य, मैप देखिए, ये बस्तर है और ये पूरा उड़ीसा। तो सीमावर्ती राज्य सिर्फ एक है, वो है उड़ीसा। उड़ीसा के साथ ही बस्तर जिला सीमा साझा करता है। दूसरा देखते हैं सीमावर्ती जिला। सीमावर्ती जिला में सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंडागांव, कुल 4 जैसे जिला हैं जो बस्तर जिला के साथ सीमा साझा करता है। तहसील पहले 7 तहसील था, अब हो गया 9। ये जो आप देख रहे हैं जगदलपुर, बस्तर, दरबा, बकावंड, लौंडीगुड़ा, बस्तरनार, तोकापार, ये पहले से ही तहसील थे, जो 7 तहसील थे। अभी जो नया तहसील बना हुआ है नानगुर और भानपुरी 2022 में। नानगुर और भानपुरी तहसील नया तहसील है बस्तर जिला का, ध्यान में रखना है। दूसरा विकासखंड, तो जितने 7 तहसील पहले थे वही सारे विकासखंड है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम नगर निगम के लिए जगदलपुर, विधानसभा क्षेत्र 3, बस्तर, चित्रकूट, जगदलपुर। अभी कुछ टाइम बाद इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो जाएगा, तो आपको ध्यान में रखना है कि बस्तर जिले में कितने विधानसभा क्षेत्र और कितने लोकसभा क्षेत्र हैं। तो विधानसभा क्षेत्र है 3 और ये इनमें से 2 ST से हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के ही लोग इस विधानसभा क्षेत्र से लड़ सकेंगे। दूसरा लोकसभा क्षेत्र वो है अकेला बस्तर में। फिजिकल जियोग्राफी या भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल या फिजिकल जियोग्राफी में हम नदी, जंगल, पहाड़,
इन सब चीज़ के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे बस्तर का, क्योंकि बस्तर में ये जो फिजिकल जियोग्राफी है वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो ध्यान से देखते हुए चलना है। पहला है नदी, उड़ीसा पे एक जगह है कालाहंडी नाम का, वहाँ पे एक पर्वत है मुंगेर, मुंगेर पर्वत से एक नदी निकलती है, निकलने के बाद सबसे पहले इंटर करती है ये बस्तर जिला में। ठीक, उड़ीसा के कालाहंडी जिले में एक पर्वत है मुंगेर, मुंगेर पर्वत से एक नदी निकलती है जिसे हम इंद्रावती नदी के नाम से जानते हैं। ये सबसे पहले किस जिले में प्रवेश करती है, तो ध्यान में रखना क्वेश्चन अभी पूछा गया है हाल ही के एग्जाम में, बस्तर जिले में इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है। दूसरा, इसका पुराना नाम है मंदाकिनी, प्राचीन समय में इसे मंदाकिनी के नाम से भी जाना जाता था। तीसरा पॉइंट ये है कि ये जो इंद्रावती नदी है ये दक्षिण छत्तीसगढ़ में बहने वाली सर्व प्रमुख नदी है, और बस्तर के जितने भी आदिवासी हैं ज़्यादातर खेती करने के लिए या मछली पालन करने के लिए इसी नदी पर निर्भर है, इसीलिए इस नदी को बस्तर का लाइफ लाइन कहा जाता है, या हिंदी में कहूँ तो जिसको बस्तर का जीवन रेखा नदी भी कहते हैं। अभी बताइए इसका ओरिजिन, उड़ीसा के कालाहांडी जिला मुंगेर, वर्तमान में कोई परियोजना चल रहा है क्या या लागू है, तो बोधघाट परियोजना आपको ध्यान में रखना है। छत्तीसगढ़, देखिए ये उड़ीसा ये छत्तीसगढ़, ये बॉर्डर है, तो सबसे पहले अगर ये इंद्रावती नदी प्रवेश करेगा तो बस्तर जिले में प्रवेश करेगा। इसका बहाव का जो दिशा है वो पूरब पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ है, और लास्ट में जाके गोदावरी नदी के साथ संगम बनाएगा। जब ये मुंगेर पर्वत से निकलता है और गोदावरी नदी में जाके मिल जाता है, तो मुंगेर पर्वत से लेकर गोदावरी नदी में मिलने तक इसकी टोटल लंबाई होती है 535 किलोमीटर। जब ये बस्तर जिला में प्रवेश करता है, बस्तर जिला में प्रवेश करने के बाद बीजापुर के भोपालपट्टनम तक इसकी छत्तीसगढ़ में कुल लंबाई अगर पूछे तो ध्यान में रखना है 264 किलोमीटर। तो इंद्रावती नदी का कुल लंबाई 535, और छत्तीसगढ़ में यदि कुल लंबाई पूछे जाए तो 264। संगम, जैसे मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया कि ये गोदावरी नदी के साथ संगम बनाता है, तो महाराष्ट्र, तेलंगाना और छत्तीसगढ़। देखिए ये बीजापुर जिला, ये महाराष्ट्र, ये तेलंगाना। जो नदी इंद्रावती नदी जो यहाँ पे आके, ये गोदावरी नदी है, तो बीजापुर जिले में एक तहसील है जिसका नाम है भोपालपट्टनम, और ये पूरा क्षेत्र भोपालपट्टनम वाला क्षेत्र है। इस भोपालपट्टनम के पास ये जिस जगह पे संगम बना रहा है उस संगम का नाम है भद्रकाली। जिस स्थान पर ये संगम बनाती है गोदावरी नदी के साथ, इंद्रावती नदी, उस संगम को बोला जाता है भद्रकाली। भद्रकाली नामक स्थान के पास गोदावरी नदी से जा मिलती है, तो ध्यान में रखना भद्रकाली नामक स्थान बीजापुर के किस तहसील में है, तो भोपालपट्टनम में, या इंद्रावती नदी गोदावरी नदी से किस स्थान पर मिलता है, बीजापुर के भोपालपट्टनम तहसील के भद्रकाली नामक स्थान पर गोदावरी नदी से जा मिलती है। दूसरा, गोदावरी बेसिन बस्तर पठार का सर्व प्रमुख नदी है। जलप्रपात, बस्तर का सबसे फेमस जलप्रपात अगर कोई है तो वो है चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात फेमस इसलिए है, ये केवल देश पे नहीं बल्कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में भी काफी अच्छा नाम है इनका। पहला चीज़ तो अमेरिका में और कनाडा के इस बॉर्डर पे एक जलप्रपात है जिसका नाम है नियाग्रा, और उसी एज इट इज़ लगभग लगभग ये जलप्रपात जो है नियाग्रा के जैसे ही दिखता है, इसीलिए इसको भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। साथ ही साथ इसका जो टोटल चौड़ाई है वो 300 फुट है, और ऊंचाई अगर हम देखें तो 90 फीट है। इसका जो आकार है वो घोड़े के नाल के जैसा है, हॉर्स शू आप देखें ना सभी, कुछ कुछ इस तरह से रहता है हॉर्स शू, तो यदि हम देखें तो घोड़े के नाल के समान है। इन किस नदी पर है, तो इंद्रावती नदी पर, तीरथगढ़ जलप्रपात। तीरथगढ़ जलप्रपात सबरी नदी की एक सहायक नदी है कांगेर, और कांगेर नदी की एक सहायक नदी है मुंगेर नदी, मुनगाबहार नदी। तो तीरथगढ़ जलप्रपात कांगेर नदी की एक सहायक नदी मुनगाबहार नदी पर स्थित है। पहला चीज, ये छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, लगभग लगभग 300 फीट ऊंचा है यहाँ जलप्रपात।
और ये जो इसका जो संरचना है, नेचुरल डिजाइन है इसका, वो ऐसा सीढ़ी जैसा, जैसे आप देखिए यहाँ पे ऐसे 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 ऐसे, तो सीढ़ी नुमा आकृति का यहाँ जलप्रपात जो है वो मुनगाबहार नदी पर स्थित है। कांगेर नदी का एक सहायक नदी है और एक और जलप्रपात है कांगेर नदी पर ही, जिसको कांगेर जलप्रपात के नाम से जानते हैं। ये सब मौसमी जलप्रपात होते हैं जो बारिश के समय में ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं तामड़ा घूमर जलप्रपात। तामड़ा घूमर जलप्रपात, इसको मिनी नियाग्रा कहते हैं। यदि हम आप उसको देखें ध्यान से तो कुछ कुछ ये चित्रकूट जलप्रपात जैसी दिखते हैं, चूंकि या इसका चौड़ाई ज़्यादा नहीं होने के कारण इसको मिनी नियाग्रा कहा जाता है। मिनी नियाग्रा के नाम से मशहूर है। तो छत्तीसगढ़ का कौन सा जलप्रपात जिसे मिनी नियाग्रा कहते हैं, तो ध्यान में रखिएगा तामड़ा घूमर जलप्रपात। इसका ऊंचाई लगभग 100 फीट है। अब तामड़ा घूमर जलप्रपात के आसपास काफी ज्यादा मात्रा में मोर देखने को मिलता है, पीकॉक। इसलिए उसको स्थानीय लोग पीकॉक ज्यादा पाए जाने के कारण उस तामड़ा घूमर जलप्रपात को मयूरा मयूरा घूमर के नाम से भी जानते हैं। उसे एक घाटी है वहीं के पास जिसे बोलते हैं विंता घाटी, जिसे बस्तर का कश्मीर कहा जाता है। विंता घाटी के पास ही यहाँ तामड़ा घूमर जलप्रपात या मयूरा घूमर जलप्रपात स्थित है। अन्य जलप्रपात देखें तो मांडवा घूमर, चित्रधारा, महादेव घूमर, करेजी, झुलना दरहा और बुनबुनी, ये तमाम प्रकार के सब मौसमी जलधाराएं हैं, तो जलप्रपात हैं सॉरी। तो बस इसका नाम ध्यान में रखिएगा आपको। नेक्स्ट हम देखते हैं नेशनल पार्क। तो बस्तर जिला में एक नेशनल पार्क और पूरे छत्तीसगढ़ का फेमस नेशनल पार्क। फेमस इसलिए क्योंकि ये बहुत कम एरिया पे है, मात्र 200 वर्ग किलोमीटर, मात्र 200 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए ये नेशनल पार्क, जिसको कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से हम जानते हैं। ये पूरा एशिया का अपने टाइम में, पूरे एशिया का, इसको 1982 से 85 के बीच एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था। यहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ का जो पहाड़ी मैना जो राजकीय पक्षी है उसका कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन किया जा रहा है। इसलिए क्योंकि पहाड़ी मैना में ऐसा क्वालिटी होता है कि अगर आप कुछ भी चीज़ बोलेंगे तो उसका वो कॉपी बहुत जल्दी कर लेता है। इसके कारण उसका मार्केट में डिमांड बहुत हुआ और उसका शिकार बहुत ही ज़्यादा होने लगा। अभी कुछ समय पहले पहाड़ी मैना का एक झुंड देखा गया था कांगेर वैली नेशनल पार्क में। तो वहाँ पे जो है पहाड़ी मैना का कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन किया जा रहा है। इस कांगेर नेशनल पार्क को, इसके मध्य से एक नदी बहती है जिसे हम बोलते हैं कांगेर नदी। अभी थोड़ा देर पहले बताया कांगेर नदी का एक सहायक नदी मुनगाबहार नदी, जहाँ पे तीरथगढ़ जलप्रपात है, और जहाँ से कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से जो नदी बहती है उसे हम बोलते हैं कांगेर नदी। ये ध्यान में रखना, क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि हसदेव नदी किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य बहती है, तो राष्ट्रीय उद्यान के मध्य बहने वाली नदियों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। दूसरा एक जगह है यहाँ पे भैंसा धारा। भैंसा धारा में नेचुरली तरीके से वहाँ पे मगरमच्छ पाया जाता है। जैसे आप जहांगीर चले जाइए वहाँ पे एक स्थान है कोटमी सोनार, वहाँ पे आर्टिफिशियल ढंग से मगरमच्छ का संरक्षण किया जा रहा है, लेकिन कांगेर वैली घाटी में ऐसा नहीं है। वहाँ पे ऑलरेडी पहले से मगरमच्छ पाया जाता था तो उसका संरक्षण किया जा रहा है। उस स्थान का नाम है भैंसा दहरा। भैंसा दहरा में मगरमच्छ का प्राकृतिक रूप से संरक्षण एवं संवर्धन कांगेर नदी पर किया जा रहा है, या कांगेर नदी पर स्थित है, ध्यान में रखना है इसको। कुटुम्बसर गुफा, नेक्स्ट हम देखते हैं कुटुम्बसर गुफा। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर में कुछ आदिवासियों का गांव है और वे आदिवासी इस गुफा से काफ़ी टाइम से परिचित थे, लेकिन एक टाइम आया एक खोज करते हुए प्रोफेसर शंकर तिवारी 1951 में एक कांगेर नेशनल पार्क पे गए और आदिवासियों के साथ उनके सहयोग से जिस गुफा की खोज की उसका नाम है कुटुम्बसर गुफा। कुटुम्बसर गुफा को पहले गोपनसर के नाम से जाना जाता था। गोपन का मतलब होता है छुपा हुआ, जो नेचर के बीच में छुपा हुआ गुफा था इसलिए इसको गोपनसर कहते थे। अब चूंकि आदिवासियों का एक गांव है गुफा से लगा हुआ थोड़ी दूर में जिसका नाम है कुटुम्बसर, इसीलिए इस गुफा का नाम पड़ा कुटुम्बसर गुफा। इसी खोज प्रोफेसर शंकर तिवारी ने की थी, ध्यान में रखना। दूसरा चीज, विश्व की सबसे लंबी गुफा से तुलना छत्तीसगढ़ की किस गुफा को किया गया है, तो ध्यान में रखना हमको कुटुम्बसर गुफा।
और यहाँ पे एक प्राकृतिक संरचना मिलता है जो चूना पत्थर से बना हुआ होता है, स्टेलाइटाइट और स्टेलेगमाइट। स्टेलाइटाइट जो गुफा का जो छत है वहाँ से जो पानी टपकता है, तो उसमें पानी के साथ साथ काफ़ी सारे मिनरल्स भी होते हैं, तो उनमें से जो मिनरल्स धीरे धीरे करके छत पे जम जाता है उसको हम बोलते हैं स्टेलाइटाइट, जो ऊपर छत पर जो जमता है वो। और जब यही नीचे जमीन से बनते जाता है तो उसको हम बोलते हैं स्टेलेगमाइट। तो लेटराइट और स्टेलेगमाइट हमको ध्यान में रखना। कुटुम्बसार गुफा में एक प्राकृतिक संरचना जो बना है चूना पत्थर से। चूना पत्थर से इस गुफा में मछलियां पाई जाती है, झींगा पाए जाते हैं, और इस गुफा के खोजकर्ता जो है प्रोफेसर शंकर तिवारी, उसी के नाम पे इन मछलियों का नाम रख दिया गया। एक संकराइस झिंगुर और कप्पिवला संकराइस। और यहाँ पे जो मछली पाई जाती है वो अंधी मछली है, इस अंधी मछली की प्रजाति होती है, इसको ध्यान में रखना आप। कुटुम्बसार गुफा के साथ साथ और बाकी गुफा भी देख लें। अरण्य गुफा इसकी खोज हुई थी 1996 में। मंगलपुरी पहाड़ी तोकापाल, तोकापाल बस्तर का एक तहसील भी है, तो मंगलपुरी पहाड़ी तोकापाल पर एक अरण्य गुफा है जो, और इसके पास में एक गंडदेव झोड़ी नाला नामक एक नदी स्थित है। दंडक गुफा और 1993 में इनके खोज करते हैं पति राम तारण, ध्यान में रखना। और लाला जगदलपुरी, लाला जगदलपुरी अगर किसी गुफा को के बारे में कुछ बोला है इसका मतलब ये तय है कि वहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि लाला जगदलपुरी बस्तर के बहुत अच्छे इतिहासकार और साहित्यकार भी हैं, रह चुके हैं। तो ध्यान में रखना किस गुफा को वो पार्वती गुफा कहा है, तो दंडक गुफा। नेक्स्ट हम देखते हैं कैलाश गुफा। 1993 कांगेर घाटी नेशनल पार्क में दरबा घाटी के पास स्थित है। दूसरा रानी गुफा 1993 चीतापुर। तीसरा कोटमसर नागलसर डियर पार्क, ये कांगेर वैली के आसपास है। डियर पार्क क्या है, एक्चुअल में बस्तर के जो जंगल है वहाँ पे माउस डियर पाया जाता है। अभी कुछ टाइम पहले माउस डियर देखने को मिला था, तो उनको कंजर्व करने के लिए ये डियर पार्क बनाया गया। तो कोटमसर और नागलसर डियर पार्क ध्यान में रखना। अन्य गुफा है कांगेर करपन, डूमरकन, झूमर गुफा, देवगिरी गुफा, इसको आप अपने नॉलेज के लिए ध्यान में रखना। नेक्स्ट हम देखते हैं मिट्टी। बस्तर में राज्य सरकार एग्रीकल्चर के सेक्टर में नए नए योजना लाकर या पायलट प्रोजेक्ट चला करके एग्रीकल्चर सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। तो पहले हम देखते हैं इनके मिट्टी, फिर उसके बाद हम देखेंगे वहाँ पे किस प्रकार की खेती, किन फसलों की खेती अभी किया जा रहा है। पहला तो हम देख लेते हैं कि जैसे सुकमा जिला में मैं बताया था कि दक्षिण छत्तीसगढ़ में जो चट्टान पाया जाता है वो धारवाड़ कड़म का चट्टान है, और जहाँ धारवाड़ क्रम का चट्टान होगा वहाँ की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी। और आयरन ऑक्साइड जिस मिट्टी में रहता है उस मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की बहुत ज़्यादा कमी होता है, और अगर और कोई मिनरल्स की अधिकता होती है तो वो है पोटास। तो वहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है वो ज़्यादातर लाल दोमट मिट्टी होता है, और बस्तर के जो ढलानों में जो मिट्टी पाया जाता है उसको वहाँ के स्थानीय भाषा में लोग टिकरा मिट्टी कहते हैं। तो ध्यान में रखना टिकरा मिट्टी किस जिले में पाया जाता है, तो ध्यान में रखना उसको बस्तर जिला। असल में पाया नहीं पाया तो बाकी जिलों में भी जाता है बस्तर संभाग के, लेकिन उसको वहाँ की स्थानीय भाषा में इस नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखना। तो स्थानीय नाम से स्थानीय मिट्टी की टिकरा नाम से जाना जाता है। टिकरा कौन सी मिट्टी होती है, तो ढलानों में पाई जाने वाली मिट्टी को टिकरा मिट्टी कहते हैं। दूसरा बस्तर में नदी नालों के पास, जो नदी नालों के पास जो मिट्टी पाया जाता है उसे कहते हैं मुंड मिट्टी, ये ध्यान में रखना। तो मैं अभी बता रहा था कि जिस मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है, लेकिन पोटास, जो पोटास है पोटास की मात्रा अधिक होगी, और जिस मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक होगी वहाँ पे मोटे अनाज की खेती बहुत अच्छे से होता है। तो
मोटे अनाज की खेती सबसे ज्यादा बाजरा बस्तर संभाग में होता है। जो बाजरा जो है, बाजरा का जो फसल है वो मोटे अनाज में आता है। साथ ही साथ यहाँ पे कोदो, कुटकी और रागी की भी खेती की जाती है। कॉफी, बस्तर में कॉलेज है, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जब रिसर्च किया बस्तर के सॉइल और बस्तर के इन्वायरमेंट के बारे में, तो वे पाए कि कॉफ़ी के लिए यहाँ का जो कंडीशन है बस्तर का, जियोग्राफिकली कंडीशन वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो बस्तर ज़िले के दरभा क्षेत्र में कॉफ़ी का खेती स्टार्ट किया गया। सबसे पहले स्टार्ट किया गया था 20 से 22 एकड़ में। उसके बाद जब 20 से 22 एकड़ में सक्सेस मिला कॉफ़ी की खेती को, फिर उसका एरिया बढ़ा करके लगभग 100 एकड़ कर दिया गया। और बस्तर के सॉरी भारत में कॉफ़ी की सिर्फ दो वैरायटी की खेती होती है, पहला अरेबिका, दूसरा रोबस्टा। इन दो वैरायटियों की खेती होती है। आप कर्नाटक भी चले जाइए, केरल भी चले जाइए, आपको यही कॉफ़ी के वैरायटी देखने को मिलेगा। तो ये कॉफ़ी की जो प्रजाति है उनका एक नया वैरायटी बनाया गया है, टोटल 5, चैन रमन, चंद्रगिरी, सेक्शन 8 एंड 9 एंड CXR। तो इन पांचों प्रकार के कॉफ़ी का जो वैरायटी है इनकी खेती की जा रही है बस्तर में। तो बस्तर में कहाँ, तो दरभा घाटी या दरभा क्षेत्र के आसपास लगभग 100 एकड़ में ये बस्तर कॉफ़ी के नाम से इसको खेती किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम जिंक राइस। जिंक राइस जो है हमारे इम्यूनिटी पावर को काफ़ी ज़्यादा डेवलप करता है। और जिंक राइस की खेती पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में पहली बार बस्तर में किया जा रहा है। जगदलपुर के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। जैसे मैंने बताया कि बस्तर जिले में प्रवाहित होने वाली या बस्तर संभाग में बहने वाली सबसे प्रमुख नदी है इंद्रावती नदी। और इसी इंद्रावती नदी के तट पे बस्तर जिले का मुख्यालय जगदलपुर स्थित है। और सामरिक दृष्टिकोण से यदि हम इतिहास में जाएं तो सामरिक दृष्टिकोण से राजा दलपत देव ने बस्तर को राजधानी ना बना करके जगदलपुर को राजधानी बनाया था। तो जगदलपुर को राजधानी किस राजा ने बनाया था, तो राजा दलपत देव को हमें ध्यान में रखना है। और यही वो राजा है जो बारिश के पानी को कंजर्व करके रखने के लिए अपने राजमहल के आसपास एक बड़ा सा मानव निर्मित झील बनवाया जो लगभग 350 से 400 एकड़ में है। तो ये पूरे छत्तीसगढ़ का मानव निर्मित सबसे बड़ा झील है जिसको दलपत सागर के नाम से जाना जाता है। बनाने वाला राजा था दलपत, तो उन्हीं के नाम से इस सागर को दलपत सागर के नाम से जाना जाता है। ये छत्तीसगढ़ का मानव निर्मित या कृत्रिम झील है जो सबसे बड़ा है। नेक्स्ट हम देखते हैं बस्तर के वन विभाग के बारे में। बस्तर का वन विभाग, पहले जब बस्तर में अंग्रेज आए तो अंग्रेज के टाइम में यहाँ से इमारती लकड़ी जो थे, साल, शीशम, इन सारे पेड़ पौधों का कटाई काफ़ी मात्रा में होता था। उस टाइम बस्तर वन विभाग की स्थापना किया गया था 1896 में। इसका जो पहला अधिकारी हुआ उसका नाम था ए हंट। ध्यान में रखिएगा, बस्तर वन विभाग का पहला अधिकारी कौन था, तो ए हंट। और छत्तीसगढ़ राज्य का एकमात्र वनपाल प्रशिक्षण विद्यालय स्थित है। दिसंबर 1972 में इंडियन गवर्नमेंट के एंथ्रोपोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा एथिक या निर्जाति म्यूजियम का स्थापना किया गया। अब ये एथिक या निर्जाति म्यूजियम क्या होता है इसको पहले समझें। जब हम बस्तर जाएंगे तो बस्तर के आदिवासियों के बारे में हमने काफ़ी सारी चीज़ें सुना है, उनके कल्चर बहुत ज़्यादा जानते हैं। लेकिन बस्तर के जो आदिवासी हैं वो जंगल क्षेत्र में काफ़ी अंदर निवास करते हैं, तो उनके गांव तक हमारा अप्रोच नहीं हो पाता। तो कोई ऐसा टूरिस्ट जो बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहता है इन आदिवासियों के कल्चर, उनके लाइफ स्टाइल को जानने के लिए, तो उनको सारी चीज़ें एक जगह पे मिल जाए उसके लिए 1972 में एंथ्रोपोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा एक म्यूजियम बनाया गया जिसको निर्जाति म्यूजियम या एथिक म्यूजियम कहा जाता है। इस म्यूजियम के अंदर आपको जो आदिवासियों का घर, वो जो डेली यूज में जो जो भी चीज़ें यूज करते हैं वो सारे, वो नदी में जिस नाव का यूज़ करते हैं उस नाव का भी आपको वहाँ पे एक सैंपल देखने को मिलेगा।
घोटुल भी देखने को मिलेगा, और जैसे मतलब उनके टोटल लाइफ स्टाइल के बारे में यदि आपको जानना है तो आप जाति म्यूजियम चले जाइए, वहाँ पे आपको वहाँ के आदिवासियों से रिलेटेड हर चीज़ें देखने को मिल जाएगा। और देखते हैं क्या क्या चीज़ें। तो 1988 में आर्कियोलॉजी म्यूजियम का स्थापना किया गया। 2006 में स्वर्गीय बलिराम कश्यप की स्मृति में चिकित्सा महाविद्यालय बनाया गया। 2008 इसको पहले बस्तर महाविद्यालय के नाम से जाना जाता था, जो वर्तमान में अब महेंद्र कर्मा हो गया है। तो बस्तर विश्वविद्यालय का महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय का पुराना नाम क्या था पूछे तो बस्तर विश्वविद्यालय ध्यान में रखना। महेंद्र कर्मा जैसे सुकमा का मैं जब बताया था जिले में, तो झीरम घाटी कांड हुआ था, तो महेंद्र कर्मा जिसे टाइगर ऑफ बस्तर कहते हैं, बस्तर टाइगर के नाम से जानते हैं, वो इसी झीरम घाटी कांड में शहीद हुआ था। तो उनके रिस्पेक्ट में बस्तर विश्वविद्यालय का नाम अब बदल करके महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं तो एयरपोर्ट, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अधीन जो जगदलपुर में जो हवाई अड्डा है उसका नाम है माँ दंतेश्वरी हवाई अड्डा, जो जगदलपुर में स्थित है। और जगदलपुर में या पूरे बस्तर जिले में इमली का पेड़ और इमली बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो इसी के कारण पूरे एशिया का सबसे बड़ा इमली मार्केट या इमली मंडी जगदलपुर में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं काजू अनुसंधान केंद्र जगदलपुर, औद्योगिक पार्क, देश का दूसरा सबसे बड़ा एग्रो फूड पार्क जगदलपुर में बनाया गया। दूसरा आदिवासी संग्रहालय, अभी ये प्रस्तावित है, ये बना नहीं है, उड़ीसा में जिस प्रकार से आदिवासी संग्रहालय बनाया गया है उसी के तर्ज पर जगदलपुर में भी आदिवासी संग्रहालय बनाया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र स्थान परचनपाल, आदिवासियों को सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए, उनका इनकम बढ़ाने के लिए सुकर पिग ब्रीडिंग फार्म इस्टेब्लिश किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं बादल, बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट एंड लैंग्वेज, इसका स्थापना किया गया था 2021 में। इसका स्थापना इसलिए किया गया था कि जो आने वाले जो जनरेशन है, अभी अभी हो ये रहा है कि आदिवासियों का जो कल्चर है उस कल्चर में बाहरी कल्चर का समावेशन कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तो उनके कल्चर को कंजर्व करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने एक अकाडमी बनाया जिसका नाम है बादल, जिसमें देखिए बस्तर अकाडमी ऑफ डांस आर्ट एंड उनके लैंग्वेज, इन सारी चीज़ों को कंजर्व करके रखने के लिए और नेक्स्ट पीढ़ी को या नेक्स्ट जनरेशन को इन सब चीज़ के बारे में बताने के लिए इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से एक समझौता हुआ, जिसके तर्ज पर जगदलपुर में, जगदलपुर के आसना ग्राम में बादल अकाडमी लॉन्च किया गया, या बादल अकाडमी इसका स्थापना किया गया। खेल अकाडमी अगर देखें तो इंटरनेशनल फुटबॉल सिंथेटिक ग्राउंड, ये पूरे छत्तीसगढ़ का पहला फुटबॉल ग्राउंड है जो फीफा के द्वारा अप्रूव्ड है। फीफा एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म एसोसिएशन है जो फुटबॉल का एक बहुत बड़ा एसोसिएशन है, उसके द्वारा अप्रूव्ड है ये फुटबॉल ग्राउंड जो जगदलपुर में स्थित है। और जगदलपुर में राज्य सरकार जो है खेल को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ में अकेला बस्तर जिला ही ऐसा है जहाँ पे 12 प्रकार के खेलों का एकेडमी है, जिसमें से अभी नवीन जो एकेडमी बना है उसमें से बूंदा धूर, तीरंदाजी, काइकिंग या कैनोइंग खेल एकेडमी का स्थापना किया जाएगा अभी आने वाले टाइम में। नेक्स्ट यदि हम देखें तो खनिज, दक्षिण संभाग धारवाड़ कलम की चट्टानी अगर यहाँ पे जा पाया जाता है वहाँ खनिज अभी अधिक मात्रा में मिलेगा। पहला हम देखते हैं चूना, चूना कहाँ कहाँ है तो मांझी डोंगरी की पहाड़ी, देवरापाल, जूनागढ़, चपका, कोतनार और बाराजी। हीरा कहाँ मिलता है तो तोकापाल में, तोकापाल बस्तर का, बस्तर जिले का एक तहसील भी है। डोलोमाइट प्रिया मचकोटा और जीरा गांव में। अभ्रक दरभा, संगमरमर पाया जाता है बस्तर में और बॉक्साइड आसना, तारापुर और कुदारवाही में। नेक्स्ट हम देखते हैं मसगांव, तो गांधी जी ने कहा था कि अपराध से घृणा करो अपराधी से नहीं, तो उसी के तर्ज पे ये ओपन जेल का एक सेंस बनता है कि ओपन जेल पहले होता क्या है पहले ये जान लेते हैं। ओपन जेल मतलब कोई कैदी है वो सवेरे काम पे जाएगा और जब काम से वापस लौटेगा तो वो अपना रात जेल में बिताएगा, घर में नहीं। तो उसी के तर्ज पर मसगांव में छत्तीसगढ़ का एकमात्र खुला हुआ जेल है मसगांव, जिसको खुला ओपन जेल जो जगदलपुर में है, तो छत्तीसगढ़ का खुला जेल अगर पूछे तो ध्यान में रखना मसगांव। नेक्स्ट देखें मटनार जल विद्युत गृह जो अभी प्रस्तावित है बना नहीं है। नगरनार,
नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की चौथा यूनिट जो भारत की नवरत्न कंपनी में से एक है वो जगदलपुर के नगरनार शहर में स्थित है। दूसरा, अभी नगरनार में एक ब्लास्ट फर्नेस करके यूनिट लगाया गया है जो शायद देश का दूसरा सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस यूनिट है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। देश का एकमात्र संविधान का मंदिर जो बुरुंगपाल में है बस्तर का, इसका जरूरत क्यों पड़ा? क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में जो जनजाति हैं ये बहुत ही ज़्यादा है और छत्तीसगढ़ के दक्षिण में तो और भी ज़्यादा पाया जाता है, तो वो आदिवासी अपने राइट्स के बारे में जाने, संविधान में ऐसा कौन सा अनुसूची है जो आदिवासियों के फेवर में, उनके बारे में जाने, उसके लिए एक मंदिर बनाया गया बुरुंगपाल में, संविधान का मंदिर, जो देश का एकमात्र संविधान का मंदिर, इसका स्थापना किया गया था 1922 में। और संविधान की पाँचवीं अनुसूची में शेड्यूल ट्राइब्स या आदिवासियों के फेवर में जितने भी उनके राइट्स हैं उन सारी राइट्स के बारे में इस पाँचवीं अनुसूची में बताया गया है। और जो पेशा कानून जो हम पढ़ते हैं वो भी संविधान के इसी पाँचवीं अनुसूची के अंतर्गत में आता है। इसीलिए अगर पूछे तो ध्यान में रखिएगा, बुरुंगपाल में स्थित संविधान का मंदिर में संविधान की किस अनुसूची का उल्लेख है, तो पाँचवीं अनुसूची का प्रावधान है, ध्यान में रखिएगा। राम वनगमन पथ देख लेते हैं, जगदलपुर, चित्रकूट, तीरथगढ़ और नारायणपुर, ये चार ऐसे जगह हैं जहाँ पे राम वनगमन पथ के टूरिज्म सर्किट के रूप में डेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कल्चरल एक्टिविटीज। बस्तर दशहरा ये पूरे वर्ल्ड फेमस है। वर्ल्ड फेमस इसलिए क्योंकि ये दशहरा लगभग 75 दिनों तक चलता है। ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि बस्तर दशहरा कितने दिनों का होता है, तो 75 दिनों का होता है। पहला दिन से लेकर के लास्ट 75वें दिन तक अलग अलग प्रकार के रस्म निभाया जाता है। और इस बस्तर दशहरे में पहले इसको सामान्य रूप से मनाया जाता था, लेकिन काकतीय वंश एक राजा हुआ जिसका नाम है पुरुषोत्तम देव। राजा पुरुषोत्तम देव ने इस बस्तर दशहरे में रथ यात्रा का शुरुआत किया था, तो ध्यान में रखिएगा बस्तर दशहरे में रथ यात्रा का शुरुआत किस राजा ने किया था, तो राजा पुरुषोत्तम देव ने। ये पर्व की शुरुआत हरेली अमावस्या या हरियाली अमावस्या से होता है। पूरे भारत में जब दशहरा का समय होता है तो वहाँ उस समय रावण को जलाया जाता है, लेकिन बस्तर दशहरा में रामायण से संबंधित कोई भी क्रियाकलाप नहीं होता। बस्तर दशहरा पूरा ये माँ दंतेश्वरी को ही समर्पित होता है। बस्तर दशहरा में रावण नहीं मारा जाता। तो यदि पूछ दे कि छत्तीसगढ़ में किस जगह पर ऐसा दशहरा मनाया जाता है जहाँ पर रावण नहीं मारा जाता या रामायण से संबंधित ही नहीं है वो दशहरा, तो ध्यान में रखिएगा वो है बस्तर का दशहरा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें जो रस्म जो है वो रस्म कौन कौन से है। पहला है पाठ यात्रा। पाठ यात्रा में क्या होता है, बस्तर दशहरा के लिए जो रथ बनाएंगे उस रथ बनाने के लिए जो लकड़ी का यूज़ होगा, उस एक बड़े से लकड़ी को काट के दंतेश्वरी मंदिर के सामने रखा जाता है और उसका किया जाता है पूजा। और जो लकड़ी जो काटा जाता है उसको बोला जाता है तुरलु खोटला कहा जाता है उस लकड़ी को। और उस लकड़ी के साथ साथ रथ बनाने के लिए जितना भी औजार का हम यूज़ करते हैं उन सारे औजार का पूजा किया जाता है। उसके बाद बस्तर दशहरा में रथ निर्माण का प्रारंभ किया जाता है। तो बस्तर दशहरा का पहला चरण यदि हम देखें तो उसको कहा जाता है काछिन गादी रस्म, और अंतिम चरण मुरिया दरबार। ये पूछा ही जाता है क्वेश्चन कि बस्तर दशहरा किस रस्म से चालू होकर किस रस्म में ख़त्म हो जाती, तो ध्यान में रखना काछिन गादी रस्म से चालू होगा और मुरिया दरबार में ख़त्म हो जाएगा। मुरिया दरबार में मुरिया जनजातियों मुरिया दरबार में जो बस्तर में जो मुरिया ट्राइब्स जो होते हैं उनकी समस्याओं को सुना जाता है और उनको सोल्यूशन दिया जाता है। तो ये उनका कुछ रस्म है बस्तर दशहरा का। नेक्स्ट टाइम देखते हैं 7 से 8 प्रकार के रस्म आती हैं। जोगी मिठाई रस्म, अभी पूछा गया क्वेश्चन आया था जोगी मिठाई रस्म क्या है, तो दंतेश्वरी मंदिर में जो कलश की स्थापना किया जाता है उसको बोलते हैं जोगी मिठाई रस्म। और प्रवीण चंद भसदेव के समय में ऐसा हुआ था
कोई एक व्यक्ति था किसी जनजाति का, जो बस्तर दशहरा में किसी भी प्रकार का विघ्न उत्पन्न ना हो, इसके लिए वो 9 दिन का उपवास रखा था। तो उसी को जो है जोगी मिठाई भी कहा जाए, जोगी मिठाई का रस्म कहते हैं। देखते हैं सेकंड, भीतर रहनी। ये भीतर रहनी जो है विजयादशमी के दिन होता है, और इस दिन 8 पहियों वाला विशाल रथ निकाला जाता है, और परंपरा के अनुसार आदिवासी इस रथ को चुरा कर कुमड़ा कोट गांव लेके जाते हैं। तो बस्तर दशहरा में किस रस्म के अंतर्गत 8 पहियों वाला रथ निकाला जाता है और 8 पहियों वाले रथ का चोरी किया जाता है? तो ध्यान में रखना, भीतर रहनी उस रस्म का या उस परंपरा का नाम है। नेक्स्ट हम देखते हैं बाहर रहनी। बाहर रहनी में क्या होता है, जो राजा जो होगा वो राजा उस रथ को छुड़ाने के लिए कुमड़ा कोट जाएगा, और वहां से उस रथ को छुड़ा करके वापस लाता है। तो ये बस्तर दशहरे के बारे में आपको थोड़ा ध्यान में रखना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं गोचा पर्व। ये पूरा यदि बस्तर संभाग है। काकती वंश से एक राजा हुआ, राजा का नाम है पुरुषोत्तम देव। पुरुषोत्तम देव एक बार जगन्नाथ धाम गए थे यात्रा करने के लिए, और ऐसा कहा जाता है कि वो जो जगन्नाथ धाम की यात्रा किए वो पैदल चलकर किए थे, और गए थे उड़ीसा, कि जगन्नाथ का मंदिर उड़ीसा में है। तो जब उड़ीसा वो पहुंचे तो वहाँ के जो राजा थे उनका बहुत बहुत ज़्यादा पुरुषोत्तम देव का स्वागत किया, सत्कार किया, और राजा पुरुषोत्तम देव ने जगन्नाथपुरी के मंदिर में लगभग 1 लाख सोने का सिक्का चढ़ाया था, और साथ ही साथ काफ़ी सारे गिफ्ट्स भी लेके गए थे। तो वहाँ के जो पंडित थे, पुजारी जगन्नाथ मंदिर के, उन्होंने राजा के कहने पर इनको 16 चक्कों वाला रथ प्रदान किया, और साथ ही साथ इसको एक उपाधि दिया गया जिसे बोलते हैं रथपति। तो काकतीय वंश के किस राजा को रथपति का उपाधि दिया गया, रथपति कहा जाता है? ध्यान में रखिएगा, पुरुषोत्तम देव। जब ये राजा वहाँ से 16 चक्कों वाला रथ लेकर वापस लौटा तो उड़ीसा में एक पर्व मनाया जाता है जिसे कहा जाता है गुंडीचा। तो उसी के तर्ज पर बस्तर में भी एक पर्व मनाने का घोषणा किया, जिसको हम कहते हैं गोचा पर्व के नाम से जाना जाता है। जब ये राजा गया था उड़ीसा के जगन्नाथपुरी की यात्रा करने के लिए, तो इनके साथ साथ काफ़ी सारी आदिवासी लोग भी गए थे इनकी सेवा करने के लिए। जब ये यात्रा पूर्ण करके वापस हुए तो उन आदिवासियों को राजा जी ने एक उपाधि दिया जिसका नाम है भद्र, और यही भद्र जनजाति आगे जा करके भद्रा जनजाति कहलाए। और गए थे किस लिए भद्रा जनजाति, तो राजा की सेवा करने के लिए, और वर्तमान समय में भी भद्रा जनजाति का विशेष कार्य सेवा करना ही है। तो ध्यान में रखिएगा, उड़ीसा के गुंडीचा पर्व के तर्ज पर बस्तर में गोचा पर्व मनाया जाता है, पहला चीज। दूसरा चीज, ये पर्व आदिवासियों के द्वारा नहीं बल्कि आरण्यक ब्रह्मक समाज के द्वारा मनाया जाता है। आदिवासी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आषाढ़ माह में हिंदू कैलेंडर या हिंदू पंचांग के अनुसार देखें तो आषाढ़ माह में या जून जुलाई में मनाया जाता है। और बस्तर दशहरा के बाद सबसे लंबे यदि कोई पर्व मनाया जाता है तो वो गोचा पर्व है। ये पर्व लगभग 27 दिन तक चलता है, और भगवान जगन्नाथ का जो स्वागत है तुबकी चलाकर किया जाता है, और गॉड ऑफ ऑनर दिया जाता है उन्हें। तुबकी क्या होता है, तो एक आदिवासियों के द्वारा बनाया गया बंदूक जैसे होता है, जिसमें माल कांगनी का फल भरा जाता है, और जगन्नाथ जो जब वो रथ यात्रा निकालते हैं तो उनको जो प्रसाद जो चढ़ाया जाता है उस प्रसाद को कहते हैं गजा मूंग। गजा मूंग में अंकुरित मूंग और कटहल के पके हुए फल को चढ़ाया जाता है जगन्नाथ भगवान को। तो एक बार क्वेश्चन आया है कि राजिम के राजीवलोचन मंदिर में किस प्रकार का प्रसाद बढ़ता है, तो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि गोचा पर्व में जगन्नाथ भगवान को कौन सा प्रसाद चढ़ाया जाता है। ध्यान में रखना, प्रसाद का नाम गजा मूंग, और गजा मूंग में क्या क्या रहता है, तो अंकुरित मूंग और कटहल के पके हुए फल। तो बस्तर जिला के बारे में आज हम इतना ही जानेंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आपका आने वाले एग्जाम के लिए हमने जरूरी फैक्ट्स ऐड किए होंगे। तो बने रहिएगा हमारे इस जिला दर्शन सीरीज के साथ। बहुत ही जल्दी हम
बस्तर संभाग को खत्म करके एक नया संभाग का डिटेल या जिला दर्शन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।